नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, स्वागत करता हूं आपका रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन एम आधार के बारे में। आधार कार्ड के न्यू एप्लीकेशन में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसे आप यूज करके आधार कार्ड से रिलेटेड काफी सारे काम अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस आधार कार्ड के एम आधार एप्लीकेशन से काफी सारे काम मोबाइल एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना, आधार कार्ड डाउनलोड करना, आधार कार्ड को रिप्रिंट करके वापस फिर से मंगवाना। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप दूसरा आधार कार्ड इससे ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ ही वर्चुअल आधार नंबर जनरेट करना, QR कोड जनरेट करना, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना, या फिर आप चाहें तो इस मोबाइल एप्लीकेशन से किसी का भी आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका आधार कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है या फिर सही है कि नहीं। आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि आपके बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं। इस आधार कार्ड के एम आधार एप्लीकेशन का एक फायदा और भी है कि आप कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए इसमें डाउनलोडेड आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं और वो आपका वेरीफाई हो जाएगा और यह पूरी तरह से वैध है। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो इसके लिए चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आधार कार्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको टाइप करना है एम आधार। उसके बाद आपके सामने ये आइकन ओपन होके आ जाएगा। ये देख सकते हैं एम आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा अलाउ एम आधार टू एक्सेस योर फोटोज मीडिया फाइल्स ऑन योर डिवाइस। आपको इसको अलाउ करना है। उसके बाद अलाउ एम आधार टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, इसको भी अलाउ करना है। उसके बाद अलाउ एम आधार टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, उसको भी आपको अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हाईलाइट दिए गए हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई कंसेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। आपको हिंदी रखना है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये एम आधार एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर माई आधार पे क्लिक करना है। ये ऊपर में दिख रहा है, इसको आपको इसमें रजिस्टर माई आधार पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आधार रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ से आपको 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, वो आप पासवर्ड अपने मन से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में आपका आधार कार्ड लिंक हो गया है। आपका यहाँ पे आधार कार्ड का पूरा डिटेल आएगा, आपका फोटो आएगा, आपका नाम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा और आपका आधार नंबर आएगा। ये फ्रंट पेज है, आप चाहें तो इसका बैक पेज भी देख सकते हैं। ये देखिए आपके बैक पेज पे पूरा एड्रेस आएगा। इसके बाद आप यहाँ से चाहते हैं तो इस आधार से रिलेटेड बहुत सारे सर्विस हैं आपके पास। जैसे गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। अगर कोई वेरिफिकेशन पर्पज से आपको शेयर करना है तो वो OTP आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहें तो इस हेल्पलाइन नंबर से क्लिक करके आप जैसे जनरेट वर्चुअल आईडी करना है आपको, रिट्रीवल वर्चुअल आईडी करना है, आधार कार्ड को लॉक करना है, आधार कार्ड को अनलॉक करना है, बायोमेट्रिक इनेबल करना है, डिसेबल करना है या बायोमेट्रिक को टेम्पररी अनलॉक करना है, तो ये सारी सर्विस यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर EKYC। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा जो आपने अभी सेट किया था। यहाँ आपको 4 करेक्टर का कोड फिर से सेट करना है ताकि आपका ऑफलाइन EKYC सिक्योर रहे। तो कोड सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक मतलब आपका कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। कोड सेट करने के बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है। इसका मतलब यह है कि जब ये आप किसी को शेयर करते हैं और ये कोड उसको दें तभी वो आधार आपका देख पाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है शो QR कोड। अगर आपको कहीं वेरिफिकेशन के लिए देना है, आपको QR कोड शो करना है, तो आप यहाँ से QR कोड जनरेट कर सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसको चाहें तो आप शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट VID। VID का मतलब है वर्चुअल आईडी। मतलब अगर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर नहीं बताना है तो आप यहां से वर्चुअल आईडी जनरेट करके वो वर्चुअल आईडी दे सकते हैं। यहां से हम जनरेट वर्चुअल आईडी करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप जनरेट VID पे क्लिक करेंगे, आपको फिर से एक OTP आएगा, वो OTP डालना है यहां पे। और यहां पे 2 ऑप्शन है, एक जनरेट VID, एक रिट्रीव VID। जनरेट VID पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर VID नंबर हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब आपके मोबाइल नंबर पे ये वर्चुअल आईडी जनरेट होकर मैसेज आ गया है। फिर यहाँ से आप गो टू माई आधार कीजिए, आप फिर से वापस आ गए। यहाँ से आप देख सकते हैं आधार लिंकिंग बैंक स्टेटस। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक से आपका आधार नंबर लिंक है या नहीं।
उसके बाद आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि आपने आधार में क्या क्या अपडेट कराया था। आप यहाँ से आधार अपडेट का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कब आपने एड्रेस चेंज कराया था, कब मोबाइल नंबर अपडेट कराया था। यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको आधार को कब कब यूज किया गया है और कहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेट आधार लॉक, मतलब आप चाहें तो आधार को लॉक कर सकते हैं। VID इज मेंटेड फॉर आधार लॉक और अनलॉक, मतलब यहाँ पे आप आधार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वर्चुअल ID की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपने आधार लॉक और अनलॉक पे क्लिक किया, यहाँ दो ऑप्शन है, जनरेट वर्चुअल ID और आई हैव अ वर्चुअल ID। अगर आपने वर्चुअल ID भी जनरेट किया है तो आपको इस पर क्लिक करना है, सिक्योरिटी कैप्चर डालना है, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP आएगा, फिर उसके बाद आप चाहें तो अपने आधार को लॉक कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि और कौन कौन सी सर्विसेज हैं, उसके लिए आप सर्विसेज पे जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार रिप्रिंट, पेपरलेस ऑफलाइन EKYC, रिट्रीव EID, UID, जनरेट QR कोड, वर्चुअल ID जनरेटर, QR कोड स्कैनर, वेरीफाई आधार, वेरीफाई ईमेल, अपडेट एड्रेस ऑनलाइन, रिक्वेस्ट एड्रेस वैलिडेशन लेटर, आधार अपडेट हिस्ट्री। तो यहाँ पे इतने सारे सर्विसेज हैं जो आप एम आधार एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन देखते हैं, डाउनलोड आधार कार्ड। डाउनलोड आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है आई हैव आधार नंबर, वर्चुअल ID, इनरोलमेंट ID। यहाँ आपको आधार नंबर पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर और ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है, OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये देखिए, द ई कॉपी ऑफ आधार विल बी डाउनलोडेड इन द PDF फॉर्म, पासवर्ड टू व्यू योर आधार इज 8 कैरेक्टर, फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम इन कैपिटल एंड ईयर ऑफ बर्थ इन YYYY फॉर्मेट। ये आधार कार्ड आपके मोबाइल में PDF में डाउनलोड होगा और उसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको। सपोज कीजिए आपका नाम अमित है और आपका ईयर ऑफ बर्थ 1998 है, तो आपको यहाँ पे AMIT और 1998 डालना है, उसके बाद आपको ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा आधार कार्ड आपका डाउनलोड हो गया। आप इसको चाहें तो ये 3 डॉट पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑर्डर आधार रिप्रिंट। सपोज कीजिए आपका आधार कार्ड खो गया है और आपको फिर से आधार कार्ड का फिजिकल कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको ऑर्डर आधार रिप्रिंट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके एड्रेस पे ओरिजिनल आधार कार्ड रिप्रिंट होकर आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई हैव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ये सिलेक्ट कीजिए, अगर अनरजिस्टर्ड है तो दूसरा वाला सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, फिर ये कैप्चा डालना है और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक मैसेज आया है कि COVID-19 के लॉकडाउन के कारण ये सारे सर्विस अभी टेम्प्रेरी बंद हैं, तो आप इसको अभी यूज नहीं कर सकते। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आप चाहें तो इस सर्विस का फ़ायदा उठा के अपना आधार कार्ड फिर से रिप्रिंट करके मंगवा सकते हैं। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है पेपरलेस ऑफलाइन EKYC, मतलब आप चाहें तो इसके थ्रू EKYC भी कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ पे देखिए EKYC पे क्लिक करना है, आपको फिर से आधार नंबर डालना है और यहाँ पे एक शेयर कोड डालना है, जो भी शेयर कोड आपने सेट किया था, ठीक है। शेयर कोड डालने के बाद ये फिर कैप्चा डालना है और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। मतलब आप ये चाहें तो आधार कार्ड फिर डाउनलोड करके जिसको भी भेजेंगे उनको ये आधार कार्ड ओपन करने के लिए कोड की जरूरत पड़ेगी, आप उनको कोड बताएंगे तो ये आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो वर्चुअल ID भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप जनरेट QR कोड भी कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको रिट्रीव EID/UID, यहाँ से आप चाहें तो अगर आप अपना आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप आधार नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर पे क्लिक करना है, अगर आप इनरोलमेंट नंबर भूल चुके हैं तो इनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करना है और आप यहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। एक ऑप्शन है जनरेट QR कोड, इस पर आप सिलेक्ट करके अपने आधार कार्ड का QR कोड जनरेट कर सकते हैं और उसको कहीं भी शो करके अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। यहाँ से आप वर्चुअल ID भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो अपने आधार कार्ड को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आधार कार्ड को वेरीफाई कैसे करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक मैसेज आया, द आधार नंबर इज एक्टिव। ये आधार नंबर है आपका, आपका एज बैंड इतना है, जेंडर मेल है, स्टेट दिल्ली है और ये आपका मोबाइल नंबर है।
तो आप यहां से अपने आधार को वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका आधार अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है या इनएक्टिव हो गया। यहां से अगर आपको दूसरे का आधार नंबर वेरीफाई करना है तो उसका भी आधार नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। यहां से हम गो टू डैशबोर्ड चलते हैं। यहां से आप वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने आधार कार्ड का एड्रेस यहां से अपडेट कर सकते हैं। तो आप यहां से चाहें तो अपने एड्रेस का वैलिडेशन लेटर भी मंगवा सकते हैं कि आपका एड्रेस सही है या नहीं। यहां से आप आधार अपडेट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि आपने पहले कब आधार को यूज किया था और कहां यूज किया था। यहां से आप देख सकते हैं चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, अगर आपने कोई एप्लीकेशन दिया है या फिर आपने कोई सर्विस ली है तो उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और यहां से आप आधार सेवा केंद्र पे विजिट करके अपने आधार में कुछ चेंजेस करने के लिए या फिर डेटा अपडेट करने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।